बहुत प्यारा प्रदर्शन हुआ है। सलार के दो शो चल रहा है, डंकी का एक शो चल रहा है। एक्शन फिल्म है और बहुत दिनों के बाद प्रभास जी एक्शन फिल्म में आए। दोस्तों, सलार को सपोर्ट करते हुए मनोज देसाई ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी। मनोज देसाई कहते हैं, आज भी लोग सलार को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हमारे गेटी गैलेक्सी थिएटर्स आज भी हाउसफुल चल रहे हैं। सलार ने आते ही सुनामी मचा दी है और आदि पुरुष के बाद सलार मूवी को काफी अच्छा सपोर्ट मिल चुका है और लोग इस मूवी को काफी इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ गेटी गैलेक्सी में डंकी का एक शो है और वहीं सलार के तीन शो लगाए गए हैं। क्योंकि सलार के लिए इंक्वायरीज काफी ज्यादा आ रही है और लोग इस मूवी के एक्शन को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जब दूसरा पार्ट आएगा तब कितनी बड़ी सुनामी आएगी ये सोचकर ही धड़कन तेज होती है। दोस्तों, सलार एक ऐसी दो दोस्तों पर बनाई जाने वाली कहानी है जिसका यूनिवर्स KGF से भी काफी गुना बड़ा है और इसमें प्रशांत नील ने जो खानसार की दुनिया दिखाई है वो आज से पहले इंडिया सिनेमा लेवल पर नहीं बनाई गई थी। और इस बार जो एक्शन सलार मूवी में दिखाए गए हैं उसको देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। वहीं काली माता के सामने जो सलार का एक्शन सिक्वेंसेस बनाया गया है उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आदि पुरुष के बाद जो लोग प्रभास को फ्लॉप हीरो बोल रहे थे, आजकल वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे और प्रभास ने आदि पुरुष के बाद सलार मूवी से बहुत अच्छा कमबैक किया है और इस बार जो रिकॉर्ड सलार बनाएगी उसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, प्रभास अन्ना अब कल की अवतार में भी आने वाले हैं और कल की मूवी की जो बजट है वो भी काफी बड़ी बताई गई है। इसका मतलब अब सलार के बाद एक और बहुत बड़ा यूनिवर्स प्रभास बनाने वाले हैं जिसको पूरी दुनिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और वहीं अब तो संडे की कलेक्शन और ज्यादा आने वाली है, ऊपर से विंटर वेकेशन भी स्टार्ट होंगे। इसका मतलब सलार 1000 करोड़ कमाने के लिए तैयार है और इस बार जवान और पठान के बाद साउथ की सलार 1000 करोड़ कमाकर इंडिया की पहली एक्शन मूवी बन जाएगी जिसके आसपास कोई रिकॉर्ड नहीं आ सकता। इस बार इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा और यह रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकता। प्रभास अन्ना ने एक्शन के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है और इस बार जो रिकॉर्ड बनाएंगे उसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार पूरी दुनिया में सलार नंबर 1 बन गई है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और बाहुबली के बाद प्रभास अन्ना सलार से एक नया इतिहास लिखेंगे जिसको तोड़ पाना अब काफी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, सच बताना, आपने सलार को कितनी बार देखा है और सलार मूवी का कौन सा एक्शन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते हैं और सलार को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।